नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज आज आपको बताऊंगा कि लैंडस्केप में वास्तु के कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके लिए आज हमने चुना है बहुत ही अच्छा वास्तु फ्रेंडली गार्डन, जिसमें कि हर चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग लगी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वास्तु के हिसाब से बने हुए गार्डन्स होते हैं या लॉन होते हैं या पार्क होते हैं, उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने होते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड में आप कुछ छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं जो कि पेड़ पौधे हैं, और इनकी जो है ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये छोटे पौधे हैं, ऐसे पौधों को हमेशा किसी भी भवन के या किसी भी गार्डन के पूर्वी भाग में रखना होता है। ये सभी छोटे छोटे पौधे हैं जो कि इस लैंडस्केप के पूर्व में हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि पूर्व के बाद दक्षिण दिशा में पौधे कैसे होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े फाइकस के पेड़, फाइकस के पौधे, ये सब इस लैंडस्केप के साउथ में है, दक्षिण दिशा में है। अभी इसको दिखाते दिखाते आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ यहाँ ड्यून्स बने हुए हैं, टीले बने हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टीले बने हुए हैं। ये जो टीले बने हुए हैं ये भी वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पीछे का टीला है, यानी जो कि साउथ वेस्ट में है, मैं आपको लेके चलता हूँ साउथ वेस्ट में। ये इस पूरे लैंडस्केप का दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है, साउथ वेस्ट। यहां पर आप देख रहे हैं सबसे ऊंचा टीला है, दूसरा टीला इससे छोटा, थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ते हुए, और उसके बाद सबसे आगे साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए सबसे छोटा टीला। एक बहुत ज्यादा यूनिवर्सल फार्मूला है जो कि किसी भी लैंडस्केप के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए जरूरी होता है। यहां पर आप एक बात और भी देख रहे हैं कि इसी लैंडस्केप के जहां पर के सबसे ऊंचा ड्यून है, टीला है, इसी के पास बड़े बड़े हमने पेड़ लगाए हुए हैं। ये जो पेड़ हैं साउथ वेस्ट में आते हैं। साउथ वेस्ट में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमेशा किसी भी साइड को पॉजिटिव बनाते हैं। ये बात अगर आपने ध्यान में रखी तो आप ये मानिए कि आपका लैंडस्केप बहुत ही अच्छा बनेगा। और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे फ़ोन करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9811656700। थैंक यू।